तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो स्वागत है आपका यहाँ पे जो है एपिसोड नंबर 3 में। तो आज मैं फिर करूँगा स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जोड़ के विनती कि प्लीज आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि आपको वीडियो के बीच में थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मुझे इन आवाजों के लिए माफ कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सायु जो होती है एक बंदे को कोई चीज दे रही होती है, जिसके बाद ये बंदा सायु को थैंक यू बोलता है। सायु जो होती है यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं ये चली जाती है यहाँ पे जो है लूशु के पास। लूशु जो होता है सायु को बोलता है कि हम तीनों यहाँ पे साथ में हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे जो रहो, मेरा जो है वेट करो। अगर कोई बंदा तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना। अगर तुम्हें मुझे ढूंढना हो तो तुम यहाँ पे जो ब्लैक मार्केट है उस रास्ते पे आ जाना, जिसके बाद शाही बोलती है ठीक है और फिर जो लिंग होता है वो चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लूशो जो होता है यहाँ पे पहुंच जाता है ब्लैक मार्केट के अंदर और ये ब्लैक मार्केट को यहाँ पे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक लड़के को जो यहाँ बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारी फेक चीजें पड़ी हुई है। यही पे जो ये लड़का होता है इस लड़की को बोलता है कि वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि हाँ बहुत सारी ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे फेक हैं, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कौन सी चीजें फेक है और कौन सी चीजें रियल है। यहाँ पे लूशु भी जो होता है ये सब देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं लूशु जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी एक शॉप कॉर्नर लूशु को बुलाता है। लूशु उसके पास जाता है। शॉप कॉर्नर बोलता है कि तुम यहाँ पे जो कुछ चीजें ले सकते हो, तुम चाहो तो ये झाड़ू ले सकते हो और चाहो तो तुम ये जो बॉक्स है इसे भी ले सकते हो, बताओ तुम्हें क्या लेना है। लेकिन लूशु कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वीक है। तभी ये बंदा बोलता है कि क्या तुम जो स्पिरिचुअल प्लास्टिक है वो करते हो? तो लूशु बोलता है कि हाँ मैं जो करता हूँ। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारे काम आ जाएगी। फिर ये जो बंदा होता है ये लूशु के कान में यहाँ बोलता है कि तुम देख ही रहे होगे कि ये दुकानें जो है अभी भी खुली हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ रहे हैं। तो लूशु बोलता है कि ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये बोलता है स्पिरिचुअल स्टोन की वजह से। यहीं पे जो लूशु होता है ये बोलता है कि अगर कोई काम की चीज है तो जल्दी बताओ, मुझे जो है यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरे पास कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो है। जिसके बाद लूशु कहता है ठीक है मुझे दे दो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम अपनी पावर को प्रूव करो। और ये एक मटके को देता है इसके हाथ में और हम देखते हैं कि यहाँ पे लूशु जो होता है उसको तोड़ देता है और मटके का एक टुकड़ा इस बंदे के यहाँ पे जो है माथे पे लग जाता है और ये बंदा गुस्सा हो जाता है और इसके जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो लूशु को मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये बंदा लूशु को जो होता है ले जाता है अपनी शॉप के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं शॉप के अंदर आके ये जो होता है यहाँ पे एक बंदे से एक बॉक्स को ले लेता है। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि ये रहे स्टोन। तो यहाँ पे जो लूशु होता है ये बोलता है कि वैसे इसका जो प्राइस है वो क्या है? तो जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि अरे बच्चे तुम प्राइस की क्यों चिंता लेते हो, अगर तुम इस स्पिरिचुअल स्टोन से यहाँ पे जो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो टाइम है वो बच जाएगा और तुम्हारी जो जिंदगी है वो भी जो है बच जाएगी। तो तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है कि तुम्हें अपने पैसे प्यारे हैं? तो यहाँ पे जो लूशु होता है ये बोलता है कि तुम प्राइस बोल रहे हो कि मैं जाऊँ? जिसके बाद ये बंदा बोलता है 1,80,000 यन लगेंगे। यहीं पे जो लूशु होता है ये बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। तो ये बंदा बोलता है कि आखिर तुम पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये जो है इसके लिए बिल्कुल सही प्राइस है। फिर लूशु बोलते है कि वैसे मुझे इसके लिए जो ये प्राइस है ये सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि इसका प्राइस जो है ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम कम क्यों बोल रहे हो? जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये काफी चौंक जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है ठीक है तुम जो हो मुझे 20,00,000 यन दे देना। जिसके बाद लूशु कहता है कि हाँ आप कहीं ना तुमने यहाँ पे जो है अच्छी बात। जिसके बाद ये कहता है कि मेरे पास भी स्पिरिचुअल स्टोन है, मैं भी जो तुमको बेचना चाहता हूँ। ये बात सुन के जो बंदा होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे इसके जो इमोशन होते हैं वो जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे लूशु बोलता है अपने बॉस को कहो क्या वो इससे खरीदना चाहेंगे। लूशु बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि ये जो है टाइम को बचाते हैं, तो बोलो क्या तुम इसको लेना चाहोगे? जिसके बाद ये बंदा बोलता है लेकिन इसका प्राइस कुछ ज्यादा ही हो गया है। लूशु बोलता है ठीक है तुम मुझे यहाँ पे जो है 1,80,000 यानी दे देना। जिसके बाद ये बंदा कहता है ठीक है और ये दोनों की जो डील होती है वो हो जाती है। फिर ये बंदा बोलता है वैसे तुम इसको बेच के काफी पछता रहे होगे। तो यहाँ पे लूशु बोलते हैं कि नहीं मैं पछता नहीं रहा क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा यहाँ पे जो है स्टोन है। और जिसके बाद लूशु बाहर निकल जाता है। लूशु यहाँ सोच रहा होता है कि अब मुझे जो एग और जो टोफू है वो बेचना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी 1 साल की कमाई तो मुझे जो है आज ही मिल गई। तभी जो लूशु होता है वो एक बंदे को यहाँ पे देखता है
और यहाँ पे एक चीज़ को उठा लेता उस बंदे के पास और ये बोलता है क्या ये चीज़ असली है। तो ये बंदा बोलता है कि नहीं ये चीज़ असली नहीं है। फिर लूसू जो होता है उस चीज़ को यहाँ पे ठोक के चेक कर रहा होता है। ये बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इसके इमोशन बाहर आ जाते हैं। यहीं पे लूसू को बहुत सारे पॉइंट भी जो होते हैं मिल रहे होते हैं। लूसू सोचता है ये तो काफ़ी अजीब बात है। तभी यहाँ पे जो लूसू होता है ये बोलता है कि वैसे तुम वही मछली हो ना जो पिंजरे से बाहर आ गई हो। अब लूसू की इस बात को सुन के ये बंदा काफ़ी चौंक जाता है। लूसू बोलता है कि तुम डरो मत, मैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तभी ये बंदा बोलता है कि मुझे जो है तुम्हें कुछ देना है। तो लूसू बोलता है क्या, तो ये बंदा बोलता है कि वो चीज़ तुम्हें तुम्हें दिखा दूंगा लेकिन उसके बदले में मैं 5 जो स्पिरिचुअल कॉइन है वो जो हूँ लूंगा। जिसके बाद लूसू बोलता है ठीक है। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम पहले मुझे जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो जो है दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं लूसू जो होता है उसको स्टोन दिखा देता है। फिर ये बंदा बोलता है ठीक है अंदर चलो। फिर हम देखते हैं ये लोग एक गली में आ जाते हैं। फिर ये जो बंदा होता है ये यहाँ पे एक बॉक्स को दिखाता है और ये बोलता है कि ये वही बॉक्स है जो तुम्हें मैं दूंगा यहाँ पे। लूसू बोलता है कि आखिर इसका क्या इस्तेमाल है। तो ये बंदा बोलता है कि तुमने जो जर्नी वेस्टर्न है वो तो देखी होगी, वहाँ पे जो वेपन यूज हुआ था ये जो है बिल्कुल वैसा ही वेपन है। जब तुम किसी बंदे का जो नाम है इसके अंदर लोगे तब जो है ये काम करेगा। तो लूसू बोलता है क्या वो बंदा इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि नहीं वो बंदा इसके अंदर नहीं आएगा, जो उसकी एनर्जी है वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर लूसू कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा और जाने लगता है। तभी ये बंदा बोलता है कि रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये बंदा जो होता है अपना ही नाम लेता है और अपनी जो एनर्जी होता है वो यहाँ पे डाल देता है इस डिब्बे के अंदर और उस एनर्जी से यहाँ पे जो है लूसू के ऊपर हमला करता है। लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लूसू बोलता है कि मुझे दो मैं ट्राई करता हूँ। जिसके बाद ये ट्राई करता है और ये अपना नाम लेता है और यहाँ पे उस एनर्जी को भर लेता है। ये बोलता है कि वैसे ये ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है सही से काम करता है। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुमने देख तो लिया है कि ये कैसे काम करता है, मैं जो तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम जो इसे लोगे तो ये काम जरूर करेगा। लेकिन लूसू कहता है कि तुम ज्यादा यहाँ पे जो पत्थर मांग रहे हो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है तुम मुझे सिर्फ यहाँ पे जो 4 पत्थर है वही दे देना। लूसू सोचता है कि नेक्स्ट मंथ मेरे पास और भी पत्थर आ जाएंगे, अगर मैं अभी इसे लेता हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। तो लूसू जो होता है इसे पूरे 4 जो पत्थर होता है वो दे देता है और जिसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है। लूसू जो होता है यहाँ से जा रहा होता है और हम देखते हैं ये शायु के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो शायु होती है वो काफी गुस्सा हो रही होती है। ये बोलती है कि तुमने मेरी जो शर्ट है उसके ऊपर इतने जो निशान है वो क्यों ले आके आए। तो यहाँ पे लूसू बोलता है मुझे माफ करना लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कल रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा और वहाँ पे जो है एक अच्छा खाना खिलाऊंगा और वहाँ पे जो मीट सूप है वो भी जो है तुम्हें पिलाऊंगा। अब यहाँ पे जो शायु होती है वो उसे इमेजिन कर रही होती है उस मीट सूप को और शायु के मुंह में पानी आ जाता है और यहाँ पे शायु बोलती है ठीक है चलो अब चलते हैं। तो यहाँ लूसू बोलते है कि नहीं अब एक काम अधूरा है। जिसके बाद हम देखते हैं लूसू जो होता है नीचे देखने लग जाता है और यहाँ पे एक बंदा जो होता है जा रहा होता है और ये वही बंदा होता है जो लूसू को मार्केट में मिला होता है। लूसू जो होता है उसका नाम लेता है और उस बंदे की जो एनर्जी होती है वो इसके अंदर आ रही होती है। लेकिन एकदम से जो बंदा होता है वो लूसू की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पे लूसू डर जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर लूसू बोलता है लगता है ये ऐसे ही काम करता है कि अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो वो मेरी तरफ देखने लग जाएगा। जिसके बाद लूसू कहता है चलो एक बार और ट्राई करते हैं और उसका जो मुंह होता है वो लूसू जो होता है उसकी तरफ घुमा देता है और फिर से उस बंदे का नाम लेता है। इस बार जो बंदा होता है वो नीचे गिर जाता है और जो बाकी बंदे होते हैं वो काफी दुखी हो जाते हैं और उनके इमोशन पॉइंट यहाँ पे लूसू को मिल जाते हैं। अब जो लूसू होता है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं मिल जाते हैं और वो शायु को बोलता है कि चलो शायु अब चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं लूसू और शायु जो रेस्टोरेंट होता है उसमें जो है आ जाते हैं और ये होटल के अंदर आके यहाँ पे जो होते हैं अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बाबरजी को जो इनको ऑर्डर दे रहा होता है और ये बार बार उसे जो है परेशान कर रहे होते हैं सूप मांग मांग के। यहाँ पे जो बाबरजी होता है ये बोलता है कि अगर तुम इसे खत्म नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो लूसू होता है ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे फिनिश कर पाएंगे, तुम इसे पैक कर दो। जिसके बाद ये जो बावर्जी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके जो इमोशन पॉइंट होते हैं वो जो होते हैं बाहर आ जाते हैं और बावर्जी के नेगेटिव इमोशन से लूसू को पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे शायु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे उस गिलहरी को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रही होती है। तभी लूसू उसके खाने से कुछ उठा के यहाँ पे शायु को दे देता है और बोलता है कि शायु इसे भी खत्म कर दो। यहाँ पे जो शायु होती है वो उसे खा रही होती है। लूसू जो होता है गिलहरी को बोलता है कल रात तुमने जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं की थी, ये जो है तुम्हारी पनिशमेंट है। जिसके गिलहरी काफी गुस्सा हो जाती है और लूसू को पॉइंट मिल जाते हैं। फिर शायु बोलती है खाने के बाद हम लोग क्या करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं लूसू और शायु बाहर जो है आ जाते हैं। लूसू बोलता है कि पहले हमें उस बस के अंदर चढ़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग उस बस के अंदर जा रहे होते हैं। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसने लूसू से जो है स्पिरिचुअल स्टोन लिए थे। जिसके बाद हम देखते हैं लूसू जो होता है उस बंदे को देख के काफी चौंक जाता है और हम देखते हैं ये सभी लोग जो होते हैं अंदर चल जाते हैं और यहीं पे वो जो बंदा होता है वो भी जो होता है आया होता है और लूसू को देख के काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद लूसू को उसके जो ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो जो होते हैं मिल जाते हैं। तभी इनका जो टूरिस्ट गाइड होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ आपका टूरिस्ट गाइड हूँ और मैं आपको जो हूँ यहाँ पे गाइड करूंगा, आप कह सकते हो कि मैं आपका एक तरह से ट्यूटर भी हूँ। तो मेरे ग्रुप के सभी मेंबर बाहर देखिए यहाँ पे जो हमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है और जिसे रियूना माउंटेन
माउंटेन भी कहते हैं, जिसे प्रिंस वेलिनिया के नाम पे बनाया गया है। बहुत समय पहले की बात है, जो प्रिंस वेलिनिया है वो जा रही थी जंग की तरफ, और तभी जो दंग वन है उन्होंने जो है यहाँ पे इनको जो एक मिरर दिया हुआ था, और इनको कहा गया था कि ये इस मिरर में अपने जो पेरेंट्स है और अपना जो होम टाउन है वो देख सकती है, ताकि ये उन्हें जो है मिस ना करें। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो जैसे शीशे को खोलती है उन्हें जो है सिर्फ अपना चेहरा दिखाई देता है, जिसके बारे वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो जो होती है उस शीशे को तोड़ देती है, जिसके बाद उसका आधा हिस्सा यहाँ पे जो ईस्ट की तरफ गिरा था और आधा हिस्सा वेस्ट की तरफ गिरा हुआ था। अब यहाँ पे रात हो जाती है, यहाँ पे जो लुशू होता है और जो यहाँ पे शायु होते हैं वो दोनों ही बैठे होते हैं एक जगह पे। यहाँ पे जो लुशू होता है ये शायु से पूछता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे रोज खुश कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो शायु होती है ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ जो शॉपिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और जब तुम खाना बनाते हो तब मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है, और जब हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होती हूँ। पता नहीं हमने अभी तक कितनी बार साथ में बैठ के जो है खाना खा लिया है, जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग पुरानी बातों को यहाँ पे जो है याद कर रहे होते हैं। तभी एकदम से जो लुशू होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद ये देखता है कि यहाँ पे जो है वही मैजिशियन है जिसका नाम लिन चेन होता है। जब ये लोग मेला देखने गए थे तभी जो है ये मैजिशियन इनको जो है वहाँ पे दिखा हुआ था, वहाँ पे ये मैजिशियन अपनी जो ट्रिक है वो दिखाया करता था। तभी यहाँ पे जो लुशू होता है सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं वो मैजिशियन एक जो दुकान वाला जो बंदा होता है उसके टेंट में चला जाता है, और जिसके बाद वो दोनों बैठ के यहाँ पे जो है बातें कर रहे होते हैं। जो मैजिशियन होता है ये बोलता है कि जो रून है वो जो है खुलने वाला है, तो हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, हमें जाके जो वहाँ पे हथियार है उसे जो है निकालना पड़ेगा, वरना बाकी बंदे अगर वहाँ पहुंच गए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये दुकान वाला बंदा होता है ये बोलता है कि ठीक है मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन वहाँ पे एंटर करना इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पे जो जादू वाला बंदा होता है ये बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तो जो तुम्हारा कंपास है वो जो है ठीक से काम करना चाहिए। तो दुकान वाला बंदा बोलता है कि तुम कंपास की चिंता मत लो, वो ठीक से ही काम करेगा, जिसके बाद मैजिशियन बोलता है ठीक है बाकी सब तो हम देख लेंगे, और ये जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो लुशू होता है वो आ जाता है, और वो यहाँ पे जो बाइक होता है उसे उठा लेता है, और बाइक उठा के ही वो भाग जाता है। यहाँ पे मैजिशियन काफी चौंक जाता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।